With 76 selections in CSE 2022, StudyIQ IAS aims at providing high-quality IAS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि Prelims to Interview 2024 live batch के साथ आप CSE exam की तैयारी कर सकते हैं with features like live classes, one-to-one mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program and the most unique feature, mains residential program where StudyIQ students clearing prelims 2024 will be called to StudyIQ campus at no additional cost. हेलो एवरीवन, मेरा नाम नगमा तबस्सुम है। 67वीं BPSC में मैंने 52वां रैंक हासिल किया है और मुझे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एलोकेट हुआ है। आज मैं यहाँ DKT के प्लेटफॉर्म पे आप सबसे अपने मेंस की स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी कि पिछले 68वीं मेंस से जो GS का पैटर्न चेंज हो गया है और SA का नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको आप कैसे हैंडल करें अफेक्टिव वे में। सबसे पहले मैं अपने सोर्सेज के बारे में बताऊंगी कि GS1 और GS2 को मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, बिकॉज आई हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि GS2 में मेरे 171 मार्क्स आए हैं और GS1 में 184। तो मैंने अपने सोर्सेज क्या रखे थे, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कैसे किया था कि इतना अच्छा स्कोर मेरा आ पाया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि GS1 के मेरे सोर्सेज क्या थे। GS1 में जैसा आपको पता है कि 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 में मॉडर्न इंडिया और इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछते हैं। सेक्शन 2 में जो करंट इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स होता है वो आता है। सेक्शन 3 में DI के क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्शन 1 के लिए जो मेरा सोर्स था आर्ट एंड कल्चर के लिए, उसके लिए मैंने क्लास 11th की जो फाइन आर्ट्स की NCERT आती है उसको मैंने सबसे पहले रेफ़र किया था। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसको मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया था और उससे मैंने अपना एक नोट्स तैयार कर लिया था टॉपिक वाइज। और जो सोर्सेज मैंने कहीं और से पढ़ा था, टॉपर्स की कॉपी मैंने देखी थी, जो टॉपर्स के नोट्स थे वो मैंने देखा था, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है क्रैकिंग सिविल सर्विसेज, उसका मैंने डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम और PYQ वाला जो उनका प्रोग्राम है वो मैंने ज्वाइन किया था। वहाँ से जो भी वैल्यू एडिशन मुझे मिला उनके मॉडल आंसर से, उसको मैंने अपने नोट्स में अपडेट किया था। तो यहाँ से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मेरा नोट्स तैयार हो गया था। और मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने कोई अलग से सोर्स रेफ़र नहीं किया था क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, तो ज़्यादातर मेरा जो कंटेंट था वो वहीं से तैयार हो गया था। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आंसर राइटिंग वाला एस्पेक्ट है उसके लिए आपको बहुत रिगरस प्रैक्टिस करना होगा, और जो आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन होता है उसमें आपको डायग्राम ज़रूर इंक्लूड करने होंगे। अगर मौर्य आर्ट पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप स्तूपा का डायग्राम ड्रॉ करिए वहाँ पे। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्टिक डायग्राम हो, बट जो फीचर्स वो पूछ रहे होते हैं, जैसे क्वेश्चन कई बार आता है कि इलस्ट्रेट करने को या फिर एक्सप्लेन करने को, एनालाइज करने को कि जो फीचर्स हैं, सेलियंट फीचर्स जो हैं मौर्यन आर्ट के वो क्या थे, तो आप एक तरह से स्तूपा बना दीजिए, पिलर बना दीजिए, थोड़ा सा मैप पे कुछ जो कहीं कहीं पे अशोका के जो पिलर्स हैं वो लोकेटेड हैं उसको आप थोड़ा सा मार्क कर सकते हैं। तो वो एक होता है कि जो एक्सटेंट था मौर्यन एम्पायर का उसको भी वो बताता है। तो इस तरह से आप कुछ नया कॉन्टेंट इनोवेट करिए उसमें, बिकॉज कॉन्टेंट तो फिक्स रहेगा, ज़्यादातर लोगों को पता होता है हिस्ट्री में कि क्या लिखना होता है। तो वो सारी चीज़ें रिपीट करने से आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। व्हाट यू विल हैव टू डू कि आप इनोवेट करिए अपने कंटेंट को, उसमें कुछ नया टच दीजिए, उसमें आप डायग्राम बनाइए, मैप ड्रॉ करिए जहाँ भी पॉसिबल हो, बट मेक श्योर कि वो रेलेवेंट हो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे उसके रिगार्डिंग। तो ऐसे करके GS1 कैन बी इफेक्टिवली हैंडल्ड सेक्शन 1 उसका। सेक्शन 2 प्योरली करंट अफेयर्स होता है और BPSC में जो बहुत ही बर्निंग इश्यूज होते हैं वो वहीं से क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो मेरा जो सोर्स था वो ये था कि न्यूज़पेपर को रेफ़र करना, ताकि आपका होल्ड हो करंट पे कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन, करंट में क्या बहुत ज़्यादा चल रहा है न्यूज़ में, तो वो आपको पता होगा। उसके बाद मैंने विज़न का मंथली जो मैगज़ीन आता है करंट अफेयर्स का, मैंने उसको रेफ़र किया था। बट मैगज़ीन ड्यू बिकॉज वो बहुत बल्की होता है, अराउंड 110 और 20 पेजेस होते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड एट वन गो। आप हर मंथ में उसको उतना ज़्यादा पढ़ के रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया था कि इंडेक्स को उसके मैं पढ़ती थी, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता था PYQs के अकॉर्डिंग कि ये पूछा जा सकता है, प्रोबेबल है, उसको मैंने एक डॉक्यूमेंट में ई नोट्स में ही तैयार कर लिया था। बस टॉपिक मैंने लिखा था ताकि लास्ट में जब मैं रिवाइज़ कर रही हूँ तो मुझे पता हो कि मुझे ये टॉपिक पे फोकस करना है।
और लास्ट में जब भी मेंस 365 का कोई डॉक्यूमेंट रिलीज़ होता है, आपके जो बीपीएससी का मेंस जब भी शेड्यूल होगा, जैसे अभी दिसंबर में होने वाला है, तो जो प्रीवियस 2023 का मेंस हुआ है उसके लिए 365 डॉक्यूमेंट जो विजन आईएएस का आता है उसको आप ले लीजिए। और अगर आपने मंथली नहीं कवर किया है तो आप वहाँ से भी वो टॉपिक्स एग्रीगेट करके उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हैं। और स्टैटिस्टिक वाला जो पोर्शन है, अगेन उसमें आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस चाहिए, और ये ऐसा पोर्शन है विच कैन मेक और ब्रेक योर रिजल्ट। जो मेंस में जो अब तो बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग हो गया बिकॉज अब ऑप्शनल भी नहीं रहा, तो मैं कहूँगी इसको आप सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए अगर आपका वीक है ये पोर्शन तो, और आप रेगुलर रिग्रस प्रैक्टिस करिए, रोज़ एक डीआई का क्वेश्चन लगाइए। जब आपका पीटी हो गया है और मेंस आने वाला हो तो जो 3 मंथ का टाइम आपको बीच में मिला है, ट्राई टू सॉल्व 1 क्वेश्चन ईच डे, हर डे आप एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। और कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, आप कोई भी डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करिए, वो पोस्ट करते हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, और नहीं तो फिर आप जो PYQ BPSC ने खुद वो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उसको आप रोज़ एक लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लीजिए, रोज़ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आप उसका, और आप किसी से चेक करवाएं या खुद उसका जो सॉल्व सोल्यूशन आता है मार्केट में उसको लेके और आप कंपेयर कर लीजिए आंसर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट GS1। अब हम GS2 से शुरू करेंगे, Section 1 से, जो पॉलिटी वाला सेक्शन आता है। तो सबसे जो मेन सोर्स जो सब किसी को पता है, इट इज़ वेरी कॉमन कि लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना होता है, बट अगेन लक्ष्मीकांत आप पढ़ के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी का डेवलप करेंगे कि जो सिलेबस ओवरऑल किस बारे में बात करता है, तो सिर्फ उतना पढ़ना इनफ नहीं होगा आपको आंसर्स लिखने के लिए। बिकॉज आप लास्ट 2-3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर देखें पॉलिटी के, तो जिस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस आने लगे हैं उसके लिए लक्ष्मीकांत अलोन इज़ नॉट इनफ, तो आपको उसमें वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने जो विज़न का एक वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है GS2 के लिए UPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उससे जो पोर्शन ओवरलैप कर रहा होता है BPSC के सिलेबस का, मैंने उसको वहाँ से प्रिपेयर किया था वैल्यू एडिशन के लिए। और उसके बाद आप सबने सुना होगा कि सारे टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं कि वैल्यू एडिशन में आपको सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं, केसेस होते हैं, उसको भी रेफर करना होता है बहुत ज़्यादा अपने आंसर्स में जो रेलेवेंट है। तो उसके लिए विजन आईएएस का अगेन एक उसका PDF आता है, मटेरियल है, जिसमें सारा कंपाइलेशन है जो इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के केसेस और जजमेंट्स अभी तक रहे हैं हमारे सिलेबस के लिए जो इम्पॉर्टेंट हो, वो वहाँ पे दिए हुए हैं, आप उसको वहाँ से रेफर कर सकते हैं। उसके बाद अगेन PYQs में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको आप बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करिए। कोई भी अगर कोई ऐसा मॉडल आंसर मार्केट में अवेलेबल हो जो आपको अच्छा लगता हो पढ़ के, आप वो ले सकते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अच्छा मॉडल आंसर प्रोवाइड करिए, और अगर नहीं भी है तो ट्राई टू राइट दोज क्वेश्चंस और आप अपने मॉडल आंसर खुद तैयार करिए, उसके लिए नोट्स प्रिपेयर करिए, और कीप एडिंग द एग्जाम्पल्स फ्रॉम करंट अफेयर्स। जो न्यूज़पेपर में आप चीज़ें पढ़ें, गवर्नर को लेकर कोई इशू है, कोई दूसरे स्टेट में भी चल रहा है, तो ट्राई टू कोट दैट एग्जाम्पल, दैट विल एड लॉट ऑफ वैल्यू टू योर आंसर। और कोई भी इशू जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके हो गया, वो कई बार बिकॉज स्टेट PCS है तो सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके क्वेश्चन पूछना इज़ वेरी ऑब्वियस, और BPSC हर ऑल्टरनेट ईयर या रेगुलर बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछती रहती है, तो ट्राई टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स अगेन, वो इट विल वर्क एज अ वैल्यू एडिशन ऑल्सो, और वेरी गुड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। जब भी कहीं पे आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो या फिर प्रेसिडेंट के बारे में या फिर गवर्नर के बारे में, तो ट्राई टू ओपन द आंसर विद आर्टिकल नंबर 324 यूज़ करिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूछ रहे हैं, तो इससे पता चलेगा कि यू हैव यू नो गॉन थ्रू द सिलेबस एंड द मटेरियल वेरी थॉरली, आपको ये भी याद था कि उसका आर्टिकल क्या है। जहाँ भी पॉसिबल हो, सेंटर स्टेट रिलेशन से डील कर रहे हो आप क्वेश्चन, या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो नहीं भी आ रहा है तब भी कोई रिलेटेड जजमेंट हो, कोई एग्जाम्पल आपके पास है, ट्राई टू कंटेक्चुअलाइज दैट इन्फॉर्मेशन, आप उसको यूज़ करिए वहाँ पे। कोई डिग्निटरी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है जिन्होंने कुछ अच्छा बोला है, उनके स्टेटमेंट को आप वहाँ पे लाइए। इकोनॉमी के सेक्शन के लिए जो मैंने यूज़ किया था, NCERT का 12th क्लास की जो मैक्रो इकोनॉमी की बुक आती है उसको आप रेफ़र करिए, ताकि जो बेसिक टर्म्स होते हैं इकोनॉमी के, अगर आपका बैकग्राउंड उस सब्जेक्ट में नहीं रहा है, तो जैसा मेरा नहीं था, तो वो बैकग्राउंड आपका क्लियर हो जाए, वो जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये PT में भी आपको काम आएगा और मेंस में भी, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, टू डेवलप अ डेप्थ। तो उसके लिए आप पहले वहाँ से शुरू करिए।
उसके बाद ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी जो चार एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, उसको पढ़िए। उससे ज्योग्राफी का एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाएगा जो आपको पीटी और मेंस अगेन दोनों में हेल्प करने वाला है। उसके बाद बिकॉज यहाँ पे बिहार स्पेशल का भी एक पोर्शन होता है, तो उसके लिए आप क्राउन्स की बुक रेफ़र करेंगे जो आप पीटी में भी हम लोग करते हैं। तो उस बुक से आप सब्सिक्वेंटली जो भी सेक्शन होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वो सारे सेक्शन को आप वहाँ से बिहार स्पेशल वाला एरिया आपका कवर हो जाता है। और वो सेम चीज़ें आपको मेंस में भी रेप्लिकेट करनी होती हैं। तो बिहार ज्योग्राफी आप वहाँ से पढ़ लेंगे, अब पॉलिटी की भी थोड़े बहुत जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्राउन्स की बुक में दिए होते हैं कि कितनी बार फॉर एग्जांपल वो प्रेसिडेंट्स रूल लगा था बिहार में, तो वो सारी चीज़ें आप कोट करेंगे जब आप सेंटर स्टेट रिलेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दिखा रहे होते हैं, या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हो गया बिहार का तो उसमें क्या रिलेटेड इशूज़ थी, बिहार क्यों बैकवर्ड है, ये सारी चीज़ें इस बुक में बहुत अच्छे से दी हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट और डॉक्यूमेंट है इस पेपर के सेक्शन को डील करने के लिए, सेक्शन टू को, वो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट। आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि वो कितना हेल्प करने वाला है आपको मेंस में। तो ट्राई टू रीड द डॉक्यूमेंट। बिहार गवर्नमेंट का जो इशू है, जैसे आप मेंस दिसंबर में लिखने जा रहे हैं तो जो इस साल वाला आया हुआ इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम, उसको आप अच्छे से पढ़िए और चैप्टर वाइज एक समरी नोट्स तैयार कर लीजिए, या तो आप खुद बना लीजिए नोट्स और नहीं तो मार्केट में कहीं अवेलेबल है, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप वहाँ से ले सकते हैं उसको। बट आई वुड रिकमेंड कि आप उसको खुद से नोट्स बनाइए, बिकॉज व्हेन यू विल यू नो गो थ्रू द डॉक्यूमेंट और आप मल्टीपल टाइम्स उसको रीड करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप इंटरनलाइज कर लेंगे उसके, और वो आंसर राइटिंग में आपके रिफ्लेक्ट होगा। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के इकोनॉमिक सर्वे और बजट को आप डेफिनेटली रेफर करेंगे। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन आता है, थर्ड सेक्शन में आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं, अप्लाइड वाला पार्ट होता है, बिहार से रिलेटेड भी होता है, उसको आप क्या करेंगे कि जो मेंस 365 का डॉक्यूमेंट आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला मॉड्यूल विजन आईएएस का, आप वहाँ से उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के थ्रू करिएगा, जैसे जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक को बीपीएससी टच करता है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट में साइंस एंड टेक का क्या एप्लीकेशन है, और उसके बाद उसमें भी थोड़ा सा वैल्यू एडिशन आपको करना होगा कि जो करंट में एग्जाम्पल्स कुछ चल रहे होंगे कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आया है, जैसे जीआईएस है फॉर एग्जाम्पल, वो कैसे हेल्प कर रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट, तो वो सारी चीज़ें इंडिया में क्या काम उस पर हो रहा है उसको आप कोट करते रहेंगे थोड़ा सा। तो ऐसे करके आप इस सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे। एंड देन कम्स द एसए पेपर, बिकॉज एसए 68 के टाइम से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो देर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट ही एसए की कैसे उसको कवर करना है, क्या लिखना है उसमें। तो ऐसे के लिए कोई ऐसा सेपरेट प्रिपरेशन तो नहीं होता है कि आपको अलग से कोई बुक आती है जो आप रीड कर लेंगे एंड यू विल बी डन विद द सिलेबस, ऐसा कोई सिलेबस भी नहीं होता है जिसमें टॉपिक दिया हो। बस वो बीपीएससी ये बताती है कि व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं, एक अफेक्टिव राइटिंग होना चाहिए, आप यू मस्ट बी आर्गुमेंटेटिव, जो बातें आप कह रहे हैं उसको आप कितना क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एग्जामिनर से, तो वहाँ पे वो आपका राइटिंग स्किल बेसिकली चेक कर रहे होते हैं। इट्स नॉट अबाउट जीएस आंसर राइटिंग, वो इससे बहुत डिफरेंट होता है। बट जो कंटेंट आपको ऐसे राइटिंग के लिए चाहिए होगा वो आप जीएस 1 और जीएस 2 में जो पढ़ रहे होंगे ना अपना मटेरियल, वहीं से डेवलप करेंगे आप उसको। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे के लिए जो बहुत कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे कोट चाहिए आपको, एग्जाम्पल्स चाहिए आपको, एनेक्डोट्स चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें आपको अलग से कलेक्ट करनी पड़ेंगी। आप कोट का ऑल्दो ये चीज़ें अवेलेबल भी हैं, कई बार टॉपर्स का जो ब्लॉग होता है वो आप पढ़ेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी जो विजन आईएएस के ब्लॉग पे अवेलेबल है या फिर फोरम आईएएस पे, वो सारी कॉपीज़ निकाल के आप पढ़िए, वहाँ से आपको रेडीमेड एग्जाम्पल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। और दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो मैंने ऐसे के लिए रेफ़र किया था, अनुदीप दुरी शेट्टी सर का ब्लॉग है, उस पर उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि ऐसे को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, उसके टॉपिक को कैसे डायमेंशंस को आप ओपन करते हैं, हाउ टू राइट अ ट्रांजिशन पैरा, कि जब आप दो डिफरेंट पैरा को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो आप कैसे स्मूदली ट्रांजिशन आप वहाँ पर शो करेंगे, बिकॉज ऐसे इज़ ऑल अबाउट फ्लो, आप कितना बेटर फ्लो अपने आइडियाज़ के बीच में मेनटेन कर पा रहे हैं, कितना ऑर्डरली फैशन में वो आप लिख रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई वुड रिकमेंड कि आप उनका ब्लॉग पढ़ें एक बार जाके।
ऑल इंडिया रैंक वन अनुदीप दुरी शेट्टी सर उनका ब्लॉग है, उस पर बहुत अच्छे से जीएस को भी उन्होंने हैंडल किया है, बट ऐसे वाला जो उनका ब्लॉग है एक पोस्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको डेफिनेटली रीड करेंगे। और उनका नोट्स भी अवेलेबल है इंटरनेट पे फ्रीली, जो कोट उन्होंने प्रिपेयर किया था, जो एनेक्डोट्स उनके थे वहाँ से भी मैंने बहुत हेल्प लिया था। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स वही था कि टॉपर्स की कॉपी को पढ़ते रहिए आप। एक विक्रम गरेवाल सर का मैंने ऐसे पढ़ा था, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, वो भी उनका भी ऐसे आप देख सकते हैं, अनुदीप सर का देख सकते हैं, और भी गरिमा लोहिया मैम है उनकी कॉपी है वो भी आप रीड कर सकते हैं। ये कॉपीज़ आपको बहुत हेल्प करेंगी टू गेट अ बेटर आइडिया कि ऐसे को लिखते कैसे हैं और आपका खुद का ऐसे कैसे लिखा हुआ होना चाहिए। नोट मेकिंग में सबसे पहले आप सिलेबस से गो थ्रू करेंगे, टॉपिक्स को आप समझेंगे कि जो दायरा है आपके पढ़ने का वो कितना होना चाहिए। तो सिलेबस आपको हेल्प करेगा एक बाउंड्री फिक्स करने के लिए कि बस इतने ही टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करना है। देन यू विल कम टू द PYQs. PYQs विल डिसाइड कि आपका जो टॉपिक जो आपने सेलेक्ट किया पढ़ने के लिए उसका डेप्थ कितना होना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस उससे पूछे जा सकते हैं, क्या मल्टीपल डायमेंशंस हैं जहाँ पे एग्जामिनर फोकस कर रहा है। तो आप ये चीज़ें आप PYQ के एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा। और जब भी आप मेंस लिखने जा रहे होते हैं ना तो PYQ का जो एनालिसिस है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके इंपॉर्टेंस मैं क्या मतलब मेरे पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, मेरे बाद भी बहुत से लोग आएंगे जो बोलेंगे, तो प्लीज़ आप PYQs को इग्नोर नहीं करें। कई बार ये भी होता है कि इनफैक्ट इन BPSC की सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, हो सकता है उसका टेल वर्ड जो है वो उसको चेंज कर दें, कॉमेंट के बदले में उसको एनालाइज कर दें, और कमोबेश वो सेम ही होता है, उसको वो डिफरेंट डायमेंशन से कभी पूछ लेते हैं, कभी सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा अलग तरह के कीवर्ड के साथ, अलग तरह के डायरेक्टिव के साथ। तो आप उसको एक बार ज़रूर लिखने की कोशिश करें बजाय इसके कि आप टेस्ट सीरीज़ पे अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करें। मैं कहूँगी पहले आप PYQs को लिखिए। और आप जो नोट्स बनाएंगे बेसिकली, जब जो सोर्सेज मैंने आपको बताया वो एक्चुअली थोड़े डाइवर्स हैं, मल्टीपल सोर्सेज हैं, सारे सोर्सेज से आप गो थ्रू कर लीजिए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए अपना, एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद आप क्या करेंगे, बिकॉज जब मेंस करीब होगा तो एग्जाम से जस्ट पहले वो सारी बुक्स आप नहीं पढ़ सकते बार बार उसको। इवन द वैल्यू एडिशन मटेरियल जो विजन का मैंने बताया GS2 के लिए, विच इज़ वेरी बल्की, वो हर टॉपिक के लिए अलग एक PDF होता है। तो आप क्या करेंगे कि मल्टीपल सोर्सेज को रेफ़र करने के बाद वो सारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें आपको लगेगा उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपने कॉपी में, अपनी नोट्स में, और जो डायमेंशंस आप वहाँ पे कवर करेंगे वो वही होंगे जो PYQs में पूछा जा चुका है, या तो वो आ चुका है या फिर चांसेस हैं कि वो अब पूछा जा सकता है बिकॉज अभी तक पूछा नहीं गया हो। तो आप यहीं तक अपने आप को सीमित रख के और अपने नोट्स को बनाइए, और जब भी आपको लगे कि कोई नया पॉइंट आपको मिला है तो कीप दैट स्पेस इन योर नोट्स और आप उसको वहाँ पे ऐड ऑन करते रहिए। कोई एग्जांपल न्यूज़पेपर में बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आपने पढ़ा, आप उसको वहीं पे नोट कर लीजिए, या तो ई नोट्स आप बना सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू कि आपका पर्सनल, आप क्या पर्सनली प्रेफर करेंगे, या तो कॉपी में लिखना है, A4 शीट्स में लिखना है, या फिर आप ई नोट्स बना सकते हैं एवर नोट पे या किसी दूसरे ऐप पे, तो दैट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल आपको क्या करना है, बट जो भी करना है आप नोट्स ज़रूर बनाइए, बिकॉज लास्ट में जब 1 वीक 10 डेज बचा होता है मेंस का तो नोट्स कम्स वेरी हैंडी, आप कोई और बुक आप उस टाइम में उठा के नहीं पढ़ पाएंगे। और बिकॉज आंसर राइटिंग इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस, जब आप लिखने बैठते हैं ना, अगर इंटरनलाइज नहीं किया आपने अपने कॉन्टेंट को तो वो वहाँ पर निकल के नहीं आएगा। आप ऐसे एक बार दो बार आपको लगा कि बहुत कैची लाइन आपने कुछ पढ़ लिया है, कहीं पर कुछ अच्छा सा लिखा हुआ था, बट एक बार पढ़ के आप सोचेंगे कि आंसर लिखने के टाइम आपको वो याद आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होगा, कहीं नोट्स में लिखना होगा, और बेसिकली जो आप मेंस के टेस्ट सीरीज में या फिर एग्जाम में जो आंसर लिख के आते हैं ना, दैट इज़ कम्प्लीटली अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू हैव रिटन इन योर नोट्स। तो जितना ऑर्गेनाइज्ड आपका नोट्स होगा उतने अच्छे आपके आंसर्स होंगे। तो ट्राई टू ऑर्गेनाइज योर नोट्स, ट्राई टू रिफाइन देम, जब भी आप डिफरेंट आइटरेशन पे हो रिवीजन के अपने, तो आप कीप एडिंग पॉइंट्स और डिलीटिंग द पॉइंट्स, जो लगे कि अननेसेसरी आपने लिख लिया था और इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी उसको डिलीट करिए, जो लगे कि न्यू एडिशन है कुछ इसको बेटर तरह से फ्रेम कर सकते थे। तो मेरा ये होता था कि मेरे नोट्स में स्पेस रहता था, आई यूज़ टू कट देम अगर मुझे लगता था कि ये यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये लगता था कि इसको बेटर फ्रेम कर सकते थे, थोड़ा और स्ट्रक्चर कर सकते थे, तो मैं वहीं पे शॉर्ट सा डायग्राम बना के, बॉक्स बना के उसको मैं स्ट्रक्चर कर लेती थी। तो ऐसे आप करते रहिए, बिकॉज नोट्स का रिफाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होगा। आप एक स्केलेटन नोट्स तैयार कर लेंगे, थोड़ा बहुत लिख लेंगे, बट जैसे जैसे आपका रिवीजन होता रहेगा, जैसे जैसे अप्रोच करेगा मेंस और आपकी मेच्योरिटी का लेवल बढ़ता रहेगा प्रिपरेशन में, आपके नोट्स भी वैसे ही रिफाइन होते रहेंगे।
तो आप मेक श्योर कि जो नोट्स आप लिखते हैं उसको रिवाइज करिए, बिकॉज बहुत अच्छे भी नोट्स आपने वर्ल्ड का सबसे परफेक्ट नोट्स बना लिया, और अगर आपने उसे रिवाइज नहीं किया तो इट विल बी ऑफ नो यूज़। आप उसको पढ़िए। कई बार होता है कि हम लोग को नोट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज लगता है कि वी आर डूइंग समथिंग, बट आप लिख लेते हैं उसके बाद आप उसको भूल जाते हैं। ऐसा मैंने भी शुरू में बहुत करा है, मैंने बहुत ऐसे नोट्स बनाए हैं जिसको मैंने दोबारा कभी खोल के नहीं पढ़ा। तो ऐसा नहीं करिए, आप नोट्स को बहुत सोच समझ के मल्टीपल सोर्सेज रेफर करने के बाद और आपको लगे कि हाँ आप इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत है तभी उसको बनाइए। बिकॉज जैसे पॉलिटी फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत की बुक है, उसके नोट्स नहीं बना सकते आप, बिकॉज वो पूरी बुक ही ऐसे नोट्स के फॉर्म में लिखी हुई है कि दोबारा आप लिखने जाएंगे तो वो पूरी पूरी बुक लिख देंगे आप, ये सबने कहा होगा आपको। तो जो वैल्यू एडिक्शन है ना उसके नोट्स बनाइए आप। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली आपको मैनेज करना होगा कि आपको डिसाइड करना होगा कि किन टॉपिक्स के नोट्स आपको बनाने चाहिए और किन टॉपिक्स को बुक से रिवाइज करना चाहिए। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि ट्राई टू कंसाइज इट। आप इनिशियली आप मल्टीपल सोर्सेज रेफर करिए। जब भी कोई टॉपर ये कह रहा होता है कि ट्राई टू लिमिट योर सोर्सेज और ट्राई टू यू नो स्ट्रेटेजाइज योर रिविजन, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बुक पढ़ी एंड दैट विल बी सफिशियंट। मुझे तो बिकॉज मेरा जो जर्नी रहा है बीपीएससी में, जो 67th मेन से पहले जो मैंने तैयारी जिस तरह से अपनी की थी उसके पहले आई यूज़ टू रेफर सिंगल सोर्स, बट वहाँ पर मेरा कॉन्टेंट ना इनफ नहीं होता था। ऐसा नहीं लगता था कि जो बाकी बच्चे लिख रहे हैं उससे कुछ मैंने अलग लिखा है। तो आपको जब 22, 23 या फिर 28 तक मार्क्स चाहिए किसी क्वेश्चन में, 38 मार्कर में, तो कंटेंट डिफरेंशिएशन जब तक नहीं आएगा ना वो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ट्राई टू इंक्लूड सम न्यू पॉइंट्स, ट्राई टू ब्रिंग समथिंग न्यू, कुछ कैची लाइंस लाइए, कुछ अलग चीज़ें वहाँ पे रिप्रोड्यूस करिए आप, तब जाके कहीं आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। जैसे GS2 के वैल्यू एडिशन की अगर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसको आप इंक्लूड करिए जहाँ पर भी आपको रेलिवेंट लगता है। कंक्लूजन में डालिए, बॉडी में डालिए, इंट्रोडक्शन में डालिए, एग्जाम्पल्स में लिखिए आपको आप उसको। और कई बार ये होता है कि कोई क्वेश्चन अगर दिया हुआ है ना और आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसको ब्रेक डाउन कैसे करना है, अगर इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन आया है, सोसाइटी से रिलेटेड कुछ उसमें डायमेंशन है, तो आप उसको कुछ नहीं करिए, आप SDG के जो 5-6 SDG जो है उसको बिल्कुल आप याद करके रख लीजिए, इंटरनलाइज कर लीजिए। पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, वाटर एंड सैनिटेशन हो गया, इन चीज़ों पर, इन्हीं डायमेंशंस पर आप ब्रेक डाउन कर दीजिए अपने क्वेश्चन को। इट विल बी अ वेरी गुड अप्रोच, आपको आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देगा। उसके बाद आपको जो टाइम लगता है ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद सोचने के लिए कि स्ट्रक्चर कैसे करना है आंसर को, आप इस अप्रोच को यूज़ करके भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि वो क्वेश्चन से रिलेवेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ अलग आपने लिख दिया हो। तो ये आप कर सकते हैं। और प्लीज़ आप PYQs को कीप PYQs वेरी क्लोज टू यू, जहाँ भी आप पढ़ते हो उसको आप प्रिंट आउट लेके, आप जैसे भी ई नोट्स में करके PDF बना के आप उसको अपने साथ रखिए। और अगर GS आंसर राइटिंग के बारे में बात करें तो आप और क्या इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यू आर स्टक समवेयर और आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में, और जो फीडबैक मिल रहा है उससे भी आपको हेल्प नहीं मिल रहा, तो आप क्या करिए कि टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करिए और 67th मेंस के जो भी टॉपर्स हैं उन सब लोगों की जो इवैल्यूएटेड और अनइवैल्यूएटेड कॉपीज़ हैं एक्चुअल मेंस की, वो भी BPSC ने अपलोड कर दिया है। तो आई एम श्योर कि टॉपर्स ने शेयर भी किया होगा, मेरी कॉपी भी टेलीग्राम पे शेयर हुई है तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। और आप सेम क्वेश्चन को पहले आप खुद लिखिए और फिर टॉपर के आंसर से कंपेयर करिए कि वेयर यू आर लैकिंग, ऐसा क्या था जो टॉपर ने बहुत अच्छा लिखा है उसको मार्क्स अवार्ड हो रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से ये एक एक्सरसाइज है जिससे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था। जो भी टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन किया था उसमें वो लोग बेस्ट कॉपी जो होती थी उस टेस्ट की उसको वो लोग डालते थे ग्रुप पे, एंड आई यूज़ टू कंपेयर कि मेरे मार्क्स अगर यहाँ पे 3-4 नंबर कम आ रहे हैं और इनके ज़्यादा आ रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या पॉइंट्स उन्होंने एक्स्ट्रा लिखा है, या कितना बेटर फ्रेम किया था आंसर को अपने। कई बार ये होता है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बाद आपका कॉन्टेंट सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, बट वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग इट इज़ वेरी पर्सनल, इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वो एक्सपीरियंस के साथ कितना प्रैक्टिस आपने किया उसके साथ वो वैरी करता है। तो ये स्टील करने की कोशिश करिए, ये जब भी किसी की कॉपी आप देखिए आपको लग रहा है बहुत अच्छा स्ट्रक्चरिंग किया है आंसर को और बहुत वैल्यू एडिशन पॉइंट्स मिल रहे हैं, नोट इट डाउन, आप अपनी कॉपी में उसको ऐड करते रहिए। मैंने भी किया था ये। और स्ट्रक्चरिंग भी जब नेक्स्ट टाइम आप उस आंसर को लिखने जा रहे हो तो ट्राई टू यू नो इम्यूलेट दैट प्रोसेस कि उसने कैसे स्ट्रक्चर किया था, आप भी वैसी कोशिश करिए उसको स्ट्रक्चर करने का। और जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो मेक श्योर कि आप ना हड़बड़ी में उसको नहीं पढ़िए, बिकॉज मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं दे कैरी सम वैल्यू, सम
वेट, वहाँ पे आप थोड़ा सा रुकिए, पॉज लीजिए 10 सेकंड्स 5 सेकंड्स का, उसको दो बार रीड करिए अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो, और आप ट्राई टू ब्रेक इट डाउन, बिकॉज जो 38 मार्कर क्वेश्चन है, आप सोचिए एक क्वेश्चन 38 मार्क्स कैरी कर रहा है, इट कैरीज लॉट ऑफ वैल्यू। अगर आप वहाँ पे 28-29 तक स्कोर आ रहे हैं, जैसे इस बार GS2 में जो जीविका वाला क्वेश्चन आया था उसमें मेरे 28 मार्क्स हैं, और वहाँ पे मैंने सिर्फ मुझे लगता है 2 पेज ही लिखा था। तो कई बार वो लेंथ मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कितना डेंस आपका कंटेंट है, और जो बातें आपसे पूछी गई हैं वो आपने लिखा है या आप कुछ और ही लिख रहे हैं। तो अगर जो पूछा जा रहा है वो रिलेवेंट आपने रिप्रोड्यूस किया है तो दे विल अवॉर्ड यू मार्क्स, और उसके लेंथ से मैटर नहीं करता वो कि आपने कितना लंबा आंसर लिख दिया। तो जब भी आप क्वेश्चन को रीड करें, मेक श्योर कि आप वही लिख रहे हैं जो पूछा जा रहा है, और जो डायरेक्टिव वर्ड है प्लीज़ उस पर भी ध्यान दें। अगर वो कमेंट कह रहे हैं, अगर वो एनालाइज़ कह रहे हैं, क्रिटिकली एनालाइज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि कंटेंट जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, बट कंक्लूजन होगा ना वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। और जब भी आप अप्रोच करते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि ब्रेकडाउन कैसे करना है, तो एक होलिस्टिक अगर कवरेज देना है अपने आंसर को, तो इकोनॉमी में स्पेशली मैं कहूँगी अगर ऐसा कर रहे हैं आप, तो वे फॉरवर्ड आप ज़रूर बताइए, रिकमेंडेशन दीजिए कुछ की, अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, अगर वो नहीं भी पूछ रहे हैं कि सजेशन, तब भी आप वहाँ पे लिखिए कि वे फॉरवर्ड ये कोई एक्सपर्ट कमेटी है, या फिर कोई रिपोर्ट आया है नीति आयोग का, कोई रिकमेंडेशन है किसी कमेटी का, उसको वहाँ पे कोट करिए कि इसने ये कहा है, आप नहीं कह रहे हैं, वो सजेशन किसी एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू, जैसे अगर कॉमन चीज़ें हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन को इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, तो आप कहेंगे कि जो गवर्नर है वो पार्शियल नहीं होना चाहिए, नॉन पार्टिसन होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। तो आपको पता है कि 2-3 जो फेमस कमीशन है, सरकारिया कमीशन बोल रही है, पूंजी कमीशन है, आप अगर एग्जैक्टली नहीं भी याद आ रहा कि वो रिकमेंडेशन क्या था, तो आप ये जनरल चीज़ें भी लिख के और लास्ट में ऐड कर दीजिए कि इन कमिटीज़ ने भी ये रिकमेंड किया है और ये होना चाहिए। इकोनॉमी के आंसर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपको इट विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन, इंडिया एट 75 नीति आयोग का एक डॉक्यूमेंट आता है, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट इन सोर्सेज कि मैंने ये रेफर किया था, वो मैंने सोर्सेज में मैं बताना भूल गई आपको। इंडिया एट 75 से आप बस जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उसके लिए जो रिकमेंडेशन है उनका ना, उसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही क्रिस्प पॉइंट्स में 3-4 ही पॉइंट्स होंगे। जैसे हेल्थ के लिए अगर कुछ ऐसा आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, तो उस डॉक्यूमेंट में जो रिकमेंडेशन मेंशन है कि कैसे आप उसको इम्प्रूव करेंगे, वो आप कहीं पे नोट्स में लिख के रख लीजिए उसको। और जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो कि कोई इकोनॉमी में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप नहीं भी पूछ रहा है तब भी रिकमेंडेशन में आप क्या करिए कि इंडिया एट 75 में नीति आयोग ने ऐसे ऐसे कहा है। ये डॉक्यूमेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ बात ऐसी हो रही होती है कि वाई इंडिया इज़ बैकवर्ड, या फिर इंडिया उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप बताइए कि जो R&D पे एक्सपेंडिचर है इंडिया का, विच इज़ वेरी लो, 0.67% है, तो नीति आयोग कह रही है कि आप उसको इंक्रीज करके 2-3% तक लेके जाइए। तो ये रिकमेंडेशन आप उसको बार बार कोट करिए, जब भी कुछ ऐसा पूछ रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में नहीं अच्छा हो रहा है, तो आप कहिए कि मैन्युफैक्चरिंग इसलिए बैकवर्ड है बिकॉज उसको लिंक कर दीजिए कि R&D पे एक्सपेंडिचर हमारा लो है, उसको इंक्रीज करना चाहिए। तो इस तरह से आपको सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि फोकस मेंस आंसर राइटिंग में होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसको आप कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो अपने आंसर राइटिंग में। बिकॉज जब हम रीड कर रहे होते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता, हमें लगता है कि बस पढ़ते जा रहे हैं, बट वेन इट कम्स टू राइटिंग, तो लिखने बैठते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, हमें कुछ याद ही नहीं होता, 2-3 लाइन के बाद पेन आगे नहीं बढ़ रहा होता है। तो जो आंसर राइटिंग है, इट्स नॉट ऑल अबाउट राइटिंग इटसेल्फ, इट्स अबाउट थिंकिंग, कि जो आपने आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कितना शेप हुआ है वाइल रीडिंग द सिलेबस, जो कंटेंट आप अपने उसके लिए मेंस के लिए जो आपने प्रिपेयर किया, जो कंटेंट आप जब पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम में आपके ब्रेन में क्या स्ट्रक्चरिंग चल रहा होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बैकग्राउंड में आपने कितना वर्क किया है। ऐसा नहीं कि आप लेके कॉपी और पेन बैठेंगे और आंसर्स अपने आप फ्लो होने लगेंगे आपके हाथ से, ऐसा नहीं होगा, इट विल नॉट कम। आप जब रिवीजन कर रहे होते हैं, जब आप नोट्स बना रहे होते हैं, तो एक्चुअली आप आंसर राइटिंग ही कर रहे होते हैं, आप स्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट आप पहले कर लेते हैं। बिकॉज कहते हैं कि मेंस में जब आप लिखने बैठेंगे ना, तो या तो आपका दिमाग चलेगा या पेन चलेगा, अगर दोनों को एक साथ चला रहे हैं तो आपका स्पीड विल सफ़र, आप उतने फास्ट स्पीड में लिख नहीं पाएंगे, बिकॉज अब तो नंबर ऑफ पेजेस भी इंक्रीज हो गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए, पहले आपको 8 क्वेश्चन सिर्फ लिखने होते थे तो टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं है, अब आप अराउंड 20-21 क्वेश्चंस हो गए हैं लिखने के लिए, तो जो टाइम है वो बहुत कम है पर क्वेश्चन पे, तो आप इतना ज़्यादा सोच
पूछ नहीं सकते वहाँ पे, बट हाँ जो भी जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हैं ना तो ट्राई टू स्ट्रक्चर इट इन योर ब्रेन, अगर या तो फिर आप कहीं पे जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो आप एक प्रैक्टिस करिए कि पेज पीछे ना रफ के लिए दिया होता है उस पर थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग कर लीजिए कि इंट्रोडक्शन ऐसे होगा, बॉडी में ये पॉइंट्स आएंगे और थोड़ा सा वे फॉरवर्ड लिखेंगे, थोड़ा सा कंक्लूजन कर देंगे। कई बार ये भी होगा कि शॉर्ट वाले में यू विल नॉट हैव टाइम टू राइट कंक्लूजन, तो वहाँ पे आप छोटा सा एक वे फॉरवर्ड करके, वे फॉरवर्ड के लिए वे फॉरवर्ड लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मेरा ये है कि एक पैरा में दो तीन लाइन में थोड़ा सा कंक्लूजन में आप क्या करिए कि कुछ फ्यूचरिस्टिक दे दीजिए, कुछ बता दीजिए कि ऐसे हम करेंगे रिकमेंडेशन, तो ये सही है। तो रिकमेंडेशन इज़ अ वेरी गुड वे टू कंक्लूड योर आंसर, और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है आपके पास, इट विल कम टू योर रेस्क्यू, आप उसको याद करेंगे, इट विल बेनिफिट यू, आप वहाँ पे उसको कोट कर दीजिए कि ये SDG है, अगर हम हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट लाते हैं तो SDG 1, 2 और 5 में हम बहुत अच्छा करेंगे, वी विल इम्प्रूव, या फिर नीति आयोग का कोई रिपोर्ट का इंडेक्स है, इंडिया बहुत अच्छा कर रही है, उसको वहाँ पे कोट कर दीजिए कि ये सारे जो एफर्ट्स हैं इसकी वजह से इंडिया इज़ डूइंग वेरी गुड, कोई इंटरनेशनल वो है बॉडी है, वर्ल्ड बैंक का कोई रिपोर्ट आया, IMF का कोई रिपोर्ट है जहाँ पे इंडिया बहुत अच्छा कर रही है, उसको आप ना कहीं पे लिख के रखिए, इनफैक्ट आप PT में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद करते हैं, तो ट्राई टू ब्रिंग दैट नॉलेज इन योर आंसर राइटिंग। आप बिहार का कोई रिपोर्ट में कोई पोजीशन है, इंडिया का इंटरनेशनल किसी बॉडी के रिपोर्ट में जो पोजीशन अच्छा आ रहा है उसको याद रखिए आप, और उसको वहाँ पे कोड करते रहिए। और एक और बहुत ही स्मार्ट वे है कि अगर बिहार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, बिकॉज सेक्शन 2 में मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट बिहार, बिहार का अगर डेप्थ में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज आपका नहीं है तो यू विल सफ़र, वहाँ पे मार्क्स आपके बहुत अच्छे नहीं आएंगे, तो वहाँ पे आप क्या करिए कि बिहार जो PT के टाइम आपने बिहार से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ी हैं ना, कि आपने वहाँ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है, आपने वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में जो भी पढ़ा है, तो अगर वो इकोनॉमी में बैकवर्डनेस आपसे पूछ रहे हैं तो ट्राई टू रिलेट दैट टू द ज्योग्राफी, कि हमारे पास मिनरल्स नहीं हैं बहुत ज़्यादा, जैसे झारखंड में बंटवारे के बाद वहाँ चला गया, तो ये भी एक रीज़न है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो इनफ नहीं है इस वजह से भी हम बैकवर्ड हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों हमारा सफ़र कर रहा है, क्यों डेमोग्राफी हमारा जो है उसका रीज़न क्या है, तो इकोनॉमी को ज्योग्राफी से कनेक्ट करिए, वहाँ पे जो ज्योग्राफी आप वहाँ पढ़ रहे होते हैं ना उसके नॉलेज को यहाँ पे यूटिलाइज करने की कोशिश करिए, जितना भी नया डायमेंशन आप ऐड करेंगे अपने आंसर में वो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देगा एग्जामिनर को। एंड आई ऑलवेज सेड कि जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हैं ना, जिस तरह से आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे एग्जामिनर शायद नहीं सोच रहा होता है, वो तो आपकी कॉपी चेक करने बैठा है, तो आप जितना फाइन लेवल पे उसको ब्रेक डाउन करके लेके जाएंगे ना, एग्जामिनर को लगेगा कि ये कुछ नया लिख रहा है, नया पर्सपेक्टिव है, वहीं से आपके मार्क्स इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये सारा प्रैक्टिस कीजिए आप। और एक और शॉर्ट क्वेश्चंस को लेके बहुत कंफ्यूजन है, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कैसे हैंडल करें, टाइम को कैसे मैनेज करें, तो शॉर्ट आंसर्स का क्या है कि जैसे GS1 में दे आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, उन्होंने पूछा इंडिगो रिवोल्ट के बारे में, केव्स इन ईस्टर्न इंडिया, इसको पूछ लिया, कुछ नए नए टॉपिक्स आने लगे हैं, तो जो मैंने आपको फाइन आर्ट्स की NCERT बताई थी, ऑल्दो वो मैंने UPSC के लिए पढ़ा था, बट वो उसका नॉलेज वहाँ पे बहुत काम आया मुझे, कि केव आर्किटेक्चर के बारे में पूछा, टेंपल्स के बारे में पूछा, जो कन्वेंशनली BPSC के एस्पिरेंट्स उसको प्रिपेयर करके अलग से नहीं जाते हैं, तो वो टॉपिक्स वहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से कर सकते हैं। और जब भी आप ओपन एंडेड क्वेश्चन को आप एड्रेस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उन्होंने कोई आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है कोई टेल वर्ड दे के कि आप इसको कॉमेंट एनालाइज या फिर ऐसा कुछ करिए, तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव रखिए, आप उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए, इंडिगो रिवोल्ट पूछा है, आप क्या करेंगे अगर कोई भी रिवोल्ट होता है तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन में आप उसके ईयर को मेंशन करेंगे, थोड़ा सा अफेक्टेड एरिया को मैप पे दिखा देंगे अगर इनोवेटिव कर रहे हैं तो, उसके बाद उसके कॉजेस बताएंगे, उसका कोर्स बताएंगे, उसका इंपैक्ट क्या हुआ था वो बताएंगे, और थोड़ा सा क्योंकि हिस्ट्री में है तो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बता के कि कॉन्टिन्यूटी में कि इस रिवोल्ट का ऐसा क्या इंपैक्ट था जिसने फ्यूचर में ये चेंजेस लाए या फिर ऐसा कुछ हुआ, ऐसे करके आप उसको कंक्लूड कर दीजिए। और सिमिलरली बट GS2 में जब वो पूछते हैं कोई शॉर्ट क्वेश्चन तो वो पूरा फुल फ्लेजर्ड एक फ्रेम करके पूरा क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे ये स्कोप नहीं है आपके पास कि आप ब्रेक डाउन करने के चक्कर में आप डिफरेंट डायमेंशन ला रहे हैं, वहाँ पे तो आपको रेस्ट्रिक्टेड रहना पड़ेगा, और क्योंकि सिर्फ आपके पास 2 पेजेस होते हैं लिखने के लिए तो बहुत ज़्यादा नए डायमेंशन आप उसमें ला नहीं पाएंगे, इनफैक्ट आप कई बार 2 पेजेस भी पूरा भर नहीं पाएंगे, 1 पेज 1.5 पेज वुड बी इनफ, आप उतना भी लिख रहे हैं तो बहुत है, काफ़ी है, मैं तो कहूँगी कि 1.5 तक ही रेस्ट्रिक्ट करिए अपने आप को अगर आप टेस्ट सीरीज में लगा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि आप यहाँ पे ज़्यादा लिखने लगेंगे तो लॉन्ग वाला सफ़र करेगा,
लॉन्ग में 5-6 लिखेंगे तो अब तो खैर 5 पेजेस ही जहाँ तक मुझे याद है वो लॉन्ग वाले में देते हैं वो लोग, तो वहाँ भी आप अपने आप को 4 पेजेस तक रिस्ट्रिक्ट रखिए और यहाँ पे 1.5 तक, और फिर ट्राई करके देखिए कि वेदर यू आर एबल टू कम्प्लीट द पेपर ऑन टाइम और नॉट। और GS1 में वैसे जो पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी है वो ऑल्दो सबकी डिफरेंट होती है, बट मेरा ये था कि मैंने DI के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट किया था बिकॉज DI में एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वहाँ पे आप 72 मार्क्स पूरे आप स्कोर कर सकते हैं। तो आप क्या करिए कि एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, और अगर आपको लगता है कि DI में मिस्टेक्स के चांसेस हैं तो पहले उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद आप हिस्ट्री और करंट अफेयर के क्वेश्चंस पे आइए। और ऐसे करके GS1 का आप एक ट्रायल एंड एरर आप क्या कर सकते हैं कि जब भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो कभी आप हिस्ट्री को पहले लिख के देखिए, कभी आप DI को पहले सॉल्व करके देखिए, देखिए कि बेटर टाइम कहाँ पे मैनेज हो रहा है, बिकॉज DI में अगर आपका स्पीड अच्छा हो जाएगा और एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा तो यू विल सेव टाइम, और वो वाला टाइम शॉर्ट आंसर्स को लिखने में आप वहाँ पे लगा सकते हैं, विच विल बी वेरी स्कोरिंग, स्कोर वहाँ से मैनेज हो जाएगा। तो आप मेरे कहने का यहाँ पे मकसद जो था वो ये था कि आप जब भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं ना मेंस का, तो सिर्फ जस्ट सेक ऑफ राइटिंग आप नहीं लिखिए उसको, आप वहाँ पे एक पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बनाइए, बिकॉज यहाँ पे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड 68 के बाद पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, तो जब तक आप अपना एक कम्फर्ट जोन उसमें नहीं ढूंढेंगे ना कि कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करने पर आपका टाइम सेव होता है, तब तक आप पेपर को ना बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और राइटिंग स्पीड विल मैटर, आप कितना तेज़ लिखते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजिबल राइटिंग होनी चाहिए आपकी, तो आप पेन का सिलेक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग करिए जो आपके हाथ पे ज़्यादा स्ट्रेन ना डाले। उसके बाद मैं आऊँगी कि ऐसे राइटिंग वाले एस्पेक्ट पे कि नंबर ऑफ़ पेजेस कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ़ पेजेस मुझे याद है कि 700-800 वर्ड्स आपको लिखना होता है, उसमें पेजेस वो देते हैं 10-12 पेजेस होते हैं, बट आप 8-9 पेज पे लिखेंगे उसके आगे नहीं जाएंगे अगेन, बिकॉज एक सेक्शन में आप बहुत अच्छा लिख लें दूसरा सफ़र करेगा, तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस, आप उसको बैलेंस क्रिएट करके चलिए। और उसके बाद आप क्या करिए कि ऐसे क्या कोट कलेक्शन करते रहिए, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे कोट से ही शुरू हो, डिफरेंट अप्रोच रखिए तीनों ऐसे में, अगर एक में आपने एनेक्डोट लिख दिया है तो दूसरे में ट्राई करिए कि कोट से स्टार्ट करें, या फिर किसी रिपोर्ट को भी आप कोट कर सकते हैं, कुछ नया आपने कहीं पर पढ़ा हो GS के नॉलेज को अगर यूटिलाइज़ करना चाहें आप, जैसे इंटरनेट के बारे में कोई क्वेश्चन ऐसे आया था एक, तो उसमें आप कोई एनेक्डोट लिख सकते हैं, नहीं याद आ रहा तो कोई रिपोर्ट लिख दीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसा रिपोर्ट था जिसमें ऐसे लिखा गया था कि इंटरनेट के बारे में, उसके स्कोप के बारे में ऐसा कुछ, तो इस तरह से यू विल हैव टू प्रिपेयर दैट डॉक्यूमेंट कि थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, और अगर नहीं आपके पास टाइम है तो टॉपर्स की कॉपी से आप वो ले सकते हैं, वहाँ से UPSC के टॉपर्स की कॉपी से ले लीजिए। और इन सब के बाद बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, मुझे लगता है कि एक ये सारे जर्नी में प्रोसेस में हम बस इसी के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, बट समवेयर वी फॉरगेट कि हम भी ह्यूमंस हैं एंड देयर इज़ अ रूम फॉर यू नो फेलियर, उसको हम कभी जगह नहीं देते, हमको लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं दैट हैज़ टू बी फुल प्रूफ, और वो कभी फेल होगा ही नहीं हमारा स्ट्रैटेजी, और हम जो कर रहे हैं वो सब 100% फुल प्रूफ है, बट ऐसा होता नहीं है। तो मैं कहूँगी कि जब भी टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हो या एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस जर्नी में ना अपने फेलियर्स के लिए रूम ज़रूर रखिए, आप एम्ब्रेस योर फेलियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप एक पॉसिबिलिटी लेके चलिए कि हो सकता है, चाहे आप जितना भी परफेक्टली प्रिपेयर होके जाएं, देर इज़ अ स्कोप, देर इज़ अ चांस फॉर मिस्टेक्स, वो होंगे, वो एग्ज़ाम हॉल में कमिट करके आएंगे आप, वो सबके साथ होता है, चाहे वो रैंक 1 लेके आता है या वो लिस्ट से बाहर होता है, एवरीवन डज दैट, तो आप वो पॉसिबिलिटी शुरू से रखेंगे ना तो यू विल नॉट हैम्पर योर माइंडसेट, उस माइंडसेट से जाइए कि ठीक है मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है बट देयर विल बी सम क्वेश्चंस जिसमें मुझे कुछ नहीं पता होगा, जैसे स्काउट गाइड से क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने, और अगर किसी ने बहुत हॉलिस्टिकली हिस्ट्री भी प्रिपेयर नहीं किया था और केव आर्किटेक्चर आ जाता है, वो भी ईस्टर्न इंडिया स्पेसिफिकली, उसके बाद वो पूछ देते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर कंपेयर करने को, इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडिया में, तो ये क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी हो जाएंगे, और बेसिकली मुझे लगता है कि उसका पर्पस ही यही होता है, जैसे करंट अफेयर वाले सेक्शन में स्काउट गाइड आया, UN का उन्होंने पूछ दिया कि SDG 16 के बारे में, इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, मुझे भी नहीं लगा था इस तरह के सवाल आएंगे, तो वो बेसिकली दे आर देयर टू यू नो हैम्पर योर माइंडसेट कि आप कितने स्ट्रांग कितने रिजिलियंट पर्सनैलिटी हैं, तो पर्सनैलिटी चेक आपका सिर्फ इंटरव्यू में नहीं होता है, वो उससे पहले ही कर लेते हैं, PT में भी करते हैं, मेंस में भी सेम काम करते हैं, वो क्वेश्चंस जानबूझ के देते हैं कि आपको शुरू में वो क्वेश्चन देख के यू नो 10-12% लोग तो वहीं पे गिव अप कर देते हैं कि अब तो ये होगा ही नहीं, या तो वो छोड़ के आ जाएंगे वो क्वेश्चन, या तो उसकी वजह से उनका जो आता हुआ सवाल होगा वो गड़बड़ कर देंगे, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। और
जब भी देखें इस तरह के सवाल ना, तो काम योर सेल्फ कि ठीक है ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, औरों के साथ भी हो रहा है, ट्रस्ट मी कि वो किसी को नहीं आ रहा होगा अगर आपको नहीं पता है तो, बिकॉज आपने अगर एक सर्टेन मेच्योरिटी के लेवल पे एक लंबा आपका जर्नी रहा है एग्जाम में, आपने थॉरो प्रोसेस के साथ बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपको पता है, तो हर किसी को पता है, और आपको नहीं पता तो किसी को नहीं पता, बस ये सोच के जाइए आप। और वो माइंडसेट को ना आप डिरेल नहीं होने दीजिए थ्रू आउट द प्रोसेस, जब तक आप लास्ट मिनट भी बचा हुआ है ना आपके मेंस के पेपर का, डोंट गिव अप, जस्ट डोंट गिव अप, बिकॉज वो लास्ट एक मिनट भी कई बार आपको कुछ ऐसा याद आ जाएगा कि कुछ तो वैल्यू एडिशन होगा, एक नंबर ही ज़्यादा आ जाएंगे, और ट्रस्ट मी कि एक मार्क का बहुत वैल्यू होता है। जब फाइनल लिस्ट में आप होते हैं ना, एक नंबर से सर्विस छूट जाती है, एक नंबर से लोग का फाइनल सिलेक्शन छूटता है, तो एक एक नंबर के लिए फाइट हो रहा होता है, एक नंबर पे चार पांच रैंक वाले होते हैं, जो कई बार होता है कि पूरा 10-20 रैंक सिमट जाता है दो मार्क्स के डिफरेंस से। तो आप गिव अप नहीं करिए, एक एक क्वेश्चन में फाइट करिए आप, अगर कोई क्वेश्चन नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं, उसके कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करिए वहाँ से, और कोशिश करिए कहीं से कुछ भी रिलेट करने का, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, एक कंक्लूजन में कुछ कैची सा डाल दीजिए, बॉडी में मैप ड्रॉ कर दीजिए, जहाँ पे इसको क्रिएटिव राइटिंग भी बोलते हैं, अगर आपको कंटेंट बहुत लिमिटेड है, आपको ज़्यादा पता नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में, तो ये सारे एलिमेंट्स थोड़ा सा फ्लो चार्ट में कुछ बताने की कोशिश करिए, तो एट अ फर्स्ट वो जब एग्जामिनर देखेगा तो उसको लगेगा कि नहीं बच्चे ने, उसको भी पता है कि आपको ये क्वेश्चन कोई पढ़ के नहीं जाता और आपको भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, बट मुझे लगता है कि इस चीज़ को वो ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि एटलीस्ट यू ट्राइड टू यू नो अटेम्प्ट इट इन अ रेलेवेंट वे, उसको रेलेवेंट ज़रूर रखिए, अपने नॉलेज को कंटेक्चुअलाइज करिए, जैसे मैंने बताया पहले भी कि रिपोर्ट्स अगर कुछ ऐसे हैं, रिकमेंडेशन है, तो उसको उससे लिंक करने की कोशिश करिए, मेन्स इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, आप लिंकेज क्रिएट करिए, इंटर लिंकेजेस जितने ज़्यादा रहेंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट डिमेंशन से, आपको मार्क्स उतने ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। GS2 में स्कोर करने का मुझे लगता है कि बहुत कम स्कोर जो पिछले 2-3 साल में रहा, उसका रीज़न शायद यही हो सकता है कि वी ट्राई टू यू नो कंपार्टमेंटलाइज, कि अगर आप इकोनॉमी लिख रहे हैं तो रेस्ट्रिक्ट करिए इकोनॉमी तक, कि उसमें सोसाइटी नहीं आएगा, उसमें ज्योग्राफी नहीं आएगी, उसमें ये सारे, मतलब आप जितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जितना डिफरेंट डायमेंशन लाते हैं, आपका आंसर उतना यूनिक बनता है। और ये जो वैल्यू एडिशन पॉइंट्स मैंने बताया, आप इसको इस तरह से अपने आंसर्स में लाने की कोशिश करिए, इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि एक दो बार लिखने में ये हो जाएगा, बट ट्राई टू डू दैट। तो जैसे मैंने बताया आपको कि आपको माइंडसेट अपना डिरेल नहीं होने देना है, मुझे अपनी एक बात याद आ रही है कि 67th का मेंस जब मैंने लिखा था, तो GS1 में 8 मार्कर एक क्वेश्चन जो DI का आता है, वो मेरा गलत हो गया था, गलत नहीं, उसको पूरा कैलकुलेट करके मैं लिख नहीं पाई थी लास्ट में आंसर, तो मुझे लगा था कि इसमें मुझे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, तो आई वॉज़ वेरी अपसेट। जब GS2 लिखने के बाद बाहर निकले तो वो मैंने देखा तो मुझे याद आया फिर कि DI का क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, और मैंने पूरा बहुत अच्छे से मैंने उसको प्रिपेयर किया था, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था, और मैंने सोचा था कि इसमें तो मुझे 72 out of 72 स्कोर करना है, बट वो somehow वहाँ पे पता नहीं कैसे आई वॉज स्टक, और वो कैलकुलेशन में मेरा टाइम ज़्यादा चला गया और मुझसे हो नहीं पाया वो। तो जब वापस, बिकॉज ऑप्शनल का पेपर एक हफ्ते के बाद था, तो जब मैं वापस घर आई तो बहुत दिमाग में पूरे टाइम वही बात चल रहा था, 8 मार्क, किसी को बताया भी नहीं कि गलत हो गया है, तो वो खुद में ही वो बातें बार बार रिपीट हो रही थी, और पूरा एक दिन ना मैंने ऑप्शनल का कुछ पढ़ा ही नहीं इसी सोच में। बट अगेन उस टाइम मैंने एक वीडियो देखा, किसी ने टेलीग्राम के ग्रुप पे डाला था कि अभी तो गेम फिनिश नहीं हुआ है, अभी तो सबसे बड़ा जो पेपर है आपका ऑप्शनल का, वो तो पूरा रह गया है, और अगर DI में आप एक क्वेश्चन गलत भी करके आ गए तो ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा रिजल्ट आपका डिस्टर्ब कर दे, बिकॉज आपने सुना होगा बहुत बार, बहुत सारे लोग बताते हैं कि DI इज़ मेक और ब्रेक है, जैसे मैंने भी अभी कहा था आपको कि या तो वो आपका रिजल्ट दिला देगा या तो आपको लिस्ट से बाहर कर देगा, उसमें बहुत पोटेंशियल है, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा रिजल्ट मेरा ख़राब हो जाए। फिर आई केम अक्रॉस फ्यू मार्कशीट्स जिसमें टॉपर्स के, जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स रहे, उनके GS1 में 150 के अराउंड मार्क्स थे, और ऑप्शनल में इतने अच्छे नंबर थे कि उनका रैंक आ गया था टॉप 10 में। तो फिर मैंने सोचा कि फालतू में ही इतना वरीड हो रहे हैं कि अगर ठीक है उसमें अगर मैंने 8 मार्क गलत कर दिया तो आई विल ट्राई टू कॉम्पनसेट इट फ्रॉम माई ऑप्शनल, और थोड़ा उस पर ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। तो उस बात को फिर मैंने अपने दिमाग से निकाल के अपना ऑप्शन की तैयारी शुरू कर दी। तो किसी टॉपर का एक आयुष कृष्णा सर का चैनल है टेलीग्राम पे, उन्होंने ही वहाँ पे कुछ बच्चे उनसे लिख रहे थे कि सर मेरा DI गलत हो गया, तो उन्होंने एक शॉर्ट सा वीडियो बना के और बच्चों को मोटिवेट किया कि ये मेरे साथ भी हो चुका है, और तब मुझे कोई बताने वाला था कि तुम्हें इसके पीछे अपना आने वाला पेपर ख़राब नहीं करना है। तो आई एम ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग जो मुझे मैसेज करके बार बार बोल रहे हैं, अभी आप इस पर ध्यान नहीं दीजिए, आप अपने ऑप्शनल पे दीजिए। तो उनकी बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में स्टक हो गई कि ठीक है ये शायद ही इज़ टेलिंग समथिंग ट्रू। तो मैंने उनकी बात मान के और अपने ऑप्शनल पे पूरा ध्यान लगा दिया था।
तो मैं आपसे भी सेम चीज़ रिक्वेस्ट करूंगी कि चाहे जितना भी बुरा हो जाए, GS1 जितना भी बुरा, चाहे GS2 में बिल्कुल एक क्वेश्चन आपको आता ही नहीं था और आपने बिल्कुल रबिश लिखा है उसमें, स्टिल डोंट लूज द गेम। आपका लास्ट मिनट तक भी आपका एसे का पेपर अगर बाकी है या GS2 का बाकी है, GS1 बाकी है, ट्राई टू ब्रिंग दैट फोकस। एक एक मिनट का इंपॉर्टेंस होता है मेन्स के एग्जाम में, मेन्स या PT कोई भी एग्जाम हो, वो कभी भी इट कैन टर्न योर गेम। तो आप उस पर लास्ट मिनट तक होप आपको लूज नहीं करना है, चाहे जितने भी मिस्टेक्स हो जाएं, डोंट गिव अप। आप जब भी एग्जाम से बाहर निकलने के बाद आप सोच लीजिएगा आगे, जब पेपर खत्म हो जाए बहुत अच्छे से बैठ के एनालाइज करिए, दो तीन लोगों को लेके बैठ जाइएगा, अपने दोस्तों को रो लीजिएगा, बट उस टाइम कुछ नहीं करिए ऐसा, बिल्कुल पेपर को देख के वहीं पर छोड़ दीजिए। और कई बार तो क्या करिए कि जब आप पेपर देख के निकले ना, तो मेरे साथ ये होता था, मेरे साथ जो लोग जाते थे पेपर दिलाने, मुझे मेरा भाई होता था, मेरे हस्बैंड होते थे, तो दे यूज टू टेक माई क्वेश्चन पेपर, वो लेके मुझसे रख लेते थे, क्योंकि मेरी आदत निकलने के बाद उसको वापस से पलट के देखना और एनालाइज करना। तो आप भी किसी को कह दीजिए कि जब मैं पेपर देके निकलूं मेरा क्वेश्चन पेपर ले लेना तुम, तो ऐसे कर लीजिए। नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतनी लंबी जर्नी हो जाती है, जैसे मेरे साथ ही 3 अटेम्प्ट लग गए मुझे इस एग्जाम को क्रैक करने में, तो आई एम श्योर कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स, और मल्टीपल अगर अटेम्प्ट ना भी लगे तो एग्ज़ाम का जो एक ही टर्म होता है विच इज़ इट्स अ वेरी लॉन्ग, आपको 1 साल 1.5 साल पूरा लग जाता है एग्ज़ाम देने में, तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि आप फील करें कि बिल्कुल बॉक डाउन हो गए हैं, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, रोज़ सेम काम कर रहे हैं, रेपिटेटिवली आप रोबोट की तरह लगे हुए हैं, सेम बुक्स पढ़नी होती हैं, वही चीज़ें रोज़ पढ़ रहे होते हैं, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप ह्यूमन ब्रेन है वो थक जाता है। मैं कहूँगी कि मोटिवेशन पे रिलाई आप कभी कभी, जैसे होता है कि हम लोग आज अच्छा फील नहीं हो रहा, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेते हैं, कोई वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, जिस कम्प्लीटली फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत ज़्यादा उस पे रिलाई नहीं करिए आप, कि आप उसी मोटिवेशन को फाइंड आउट करने में कि कौन सा वीडियो देखें आप लगातार देखते चले गए और 2-3 घंटा ख़राब हो गया आपका, ये होता है। तो मैं कहूँगी कि आप ना डिसिप्लिन पे ज़्यादा रिलाई करो, अगर 4 घंटे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ट्राई टू ब्रिंग फोकस, ट्राई टू ब्रिंग कॉन्सेंट्रेशन, पूरा फोकस अच्छे से करके पढ़ाई करिए, उसके बाद नहीं मन कर रहा कुछ और कर लीजिए, मूवी देख लीजिए, आप स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं वो करिए, योगा करिए, कोई एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में क्या इन जनरल भी। तो डिसिप्लिन कैसे आता है कि जब आप एक दिन का टारगेट जो आप बनाते हैं ना, उसको अगर आप पूरा कर लेते हैं, अगर आप 80-90% तक भी, 60-70 भी अगर आप कर ले जा रहे हैं, 80-90 तो छोड़िए वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के बाद आएगा, तो वही आपको मोटिवेट करेगा कि अगले दिन फिर आप टेबल और चेयर अपने पहुँचें और बुक्स को स्टार्ट करें जो नए टारगेट के साथ। तो आप एक दिन का अपना टारगेट पूरा करिए और दूसरे दिन वो मोटिवेशन बनेगा और ऐसे ही ये लूप कंटिन्यू रहेगा एंड इट विल बिकम अ डिसिप्लिन। फिर आपको मोटिवेशन की एज एन एक्सटर्नल फैक्टर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसे ही कंटिन्यू करिए इसको, आप टारगेट्स बनाइए, उसको कंप्लीट करिए, और अगर एक दिन मिस हो जाता है तो उसकी वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, अगले दिन उसको आप कोशिश करिए कि ज़्यादा टाइम देके पूरा करें, बट कंसिस्टेंसी आप लाइए, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन, एक हफ्ते लगातार अगर आप 10 घंटे पढ़ ले रहे हैं, अगले पूरे हफ्ते गायब हैं, तो इट विल नॉट वर्क। आप 4 घंटे ही पढ़िए बट रोज़ पढ़ाई करिए। उसके बाद द लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन थोड़ा सा। तो इंटरव्यू में आई गॉट 90 मार्क्स। तो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जैसा आप सभी को पता है कि इंटरव्यू एज सच कोई इंटरव्यू नॉलेज टेस्ट नहीं होता, वो पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे होते हैं आपका। तो जो एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस डिज़ाइन है कि प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, तो ड्यूरिंग द होल प्रोसेस जो आप मेंस लिख रहे हैं, आप PT दे रहे हैं, तो पर्सनालिटी तो आपका वहीं पर बिल्ड हो रहा है और चेक भी हो रहा है वो कंटिन्यूसली। तो ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि आप इंटरव्यू के 10 दिन पहले शेड्यूल के आप लेके बैठे और आपने सब कुछ पढ़ लिया और आप गए वहाँ पे बोल के आ गए, इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट। आप नॉलेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉलेज आपके पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रेट है, तो नॉलेज तो होना ही चाहिए आपको, करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, उसको लेके अवेयरनेस चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्टेबिलिटी चाहिए पर्सनालिटी में, डेप्थ चाहिए, कितने सीरियस, एक कहते हैं ना कितने सीरियस पर्सनालिटी हैं आप, उसको वो चेक कर रहे होते हैं। जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो शैलो नहीं होने चाहिए, बायस्ड नहीं होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें तो एक दिन में नहीं होंगी, आपको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपको कॉन्शियसली उस पर ध्यान रखना होगा कि जब आप बात करते हैं तो आपके व्यूज़ कितने बैलेंस्ड होते हैं, आपका थॉट कितना बैलेंस्ड है, कितने अनबायस्ड पर्सन हैं आप। ऑल्दो वो लोग कहते हैं कि तो नेचुरल है, इधर यू हैव इट और यू डोंट, बट आई थिंक कि उसको डेवलप किया जा सकता है। आप UPSC का जो एथिक्स का सिलेबस है, दे मैंशन द फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्वेंट, उसको आप पढ़िए कि कंपैशन है, मोरालिटी है,
और एम्पैथी है, वो चीज़ें आप पढ़िए और आप कोशिश करिए कि आप अपने अंदर उसको इम्बाइब करें, वेदर यू आर अ कम्पैशनेट पर्सन और नॉट, आप एम्पैथेटिक हैं कि नहीं लोगों के इश्यूज़ को लेके, बिकॉज एट द एंड आपका एग्ज़ाम देना तो एक मीन्स है, बट एंड इज़ कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है. तो वो सारी जो पर्सनालिटी में ट्रेट्स हैं कि आप लोगों की बातें कितने ध्यान से सुनते हैं, आप कितना कंपैशनेट फील करते हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए जब आप किसी को सफ़र होते हुए देखते हैं, ये चीज़ें आप एम्बाइब करने की कोशिश करिए. ये आपको एक अच्छा सिविल सर्वेंट ही नहीं, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनाएगा. तो ये एक प्रोसेस है, आप उसको कॉन्शियसली ट्राई टू ब्रिंग दैट वैल्यूज़ इन योर सेल्फ और वो रिफ्लेक्ट होंगे फिर आपके इंटरव्यू में. GS2 में जो कंक्लूजन के बारे में मैंने बताया कि मल्टीपल वेज हो सकते हैं कि आप वे फॉरवर्ड रिकमेंडेशन और SDG, उसी क्रम में एक और बहुत ही स्मार्ट वे है जिसमें आप अपने आंसर्स को एंड कर सकते हैं. ट्राई टू यूज़ द स्टेटमेंट्स दैट आर गिवन इन PYQs. जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके बहुत अच्छे से फ्रेम होता है क्वेश्चन, BPSC का PYQ हो, अगर आपने UPSC का PYQ भी देखा है तो वो और भी अच्छी बात है. वो स्टेटमेंट्स को आप वहाँ से लाके और कंक्लूजन में लिख दीजिए सीधा सीधा, थोड़ा सा रिफ्रेम करिए क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस करने के लिए, और वो ट्रस्ट मी इट विल गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट. एग्जामिनर एक तो ये है कि आपको PYQs का नॉलेज आपने जो एनालाइज किया है वो आपके प्रिपरेशन को तो इम्पैक्ट करेगा ही इन अ पॉजिटिव वे. उसके बाद बिकॉज वो वहाँ पे बहुत ही स्टैंडर्ड कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, उनका फ्रेम करने का वे बहुत अच्छा होता है, तो आप वो स्टेटमेंट्स को यूज़ करिए आप अपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखने के लिए या कंक्लूजन लिखने के लिए. तो जब कंक्लूजन आपके ब्रेन में पहले से प्रिपेयर्ड रहेगा ना कि आपने आपको समराइज़ करना है, आपको वे फॉरवर्ड देना है, PYQs के स्टेटमेंट्स यूज़ करने हैं, आपका जो स्पीड है ना लिखने का वो अपने आप बढ़ जाएगा, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कंक्लूजन में क्या डालें, इंट्रोडक्शन में क्या डालें. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंट्रो और कंक्लूजन में ही होता है, मेरे साथ भी हुआ था. तो ये आप ना रेडीमेड एक बना के रखिए कि ये टॉपिक आएगा इस पर ये लिखना है, ये टॉपिक आएगा इस पर इंट्रोडक्शन लिखना है. इट विल स्पीड अप योर प्रोसेस और उससे आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा. एंड थैंक यू DKT टीम टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई मेन्स जर्नी एंड प्रिपरेशन. थैंक यू वेरी मच.